पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे पांच मिनट के मदरसे में। आज उम्मीद करता हूँ कि आपका छठा रोज़ा मुकम्मल हुआ होगा और बहुसन खूबी हमारा ये रोज़ा मुकम्मल हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बाबरकत महीना हम लोग गुजार रहे हैं कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए से, और कुरान मजीद से मुतालिक कुछ बातें हम लोग पाँच मिनट के मदरसे में देख रहे हैं। आइए आज भी हम शुरू करते हैं कुरान मजीद से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा, कि ये कुरान मजीद जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा है और रहमत है, हाँ जालिमों को बजुज नुकसान के और कोई ज़्यादती नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में एक बात ये बताई मेरे और आपके लिए कि कुरान मजीद ये मोमिनों के लिए शिफा है, एक तो रहमत है ही है साथ ही साथ शिफा भी है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदा व शिफा, कि ये आप कह दीजिए कि ये तो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है कुरान मजीद। अजीज़ भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप एक बात समझो, कुरान मजीद जहाँ तिलावत करने से अजर मिलता है ना, वहाँ ये एक तरह का इलाज भी है। कुरान मजीद ये शिफा भी है इंसानों के लिए। हाँ, हम कुरान मजीद को अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बहुत सारी चीज़ों से शिफा अता करता है। एक तो हमारी जिस्मानी ज़ाहिरी शिफा भी होती है और दूसरा अंदरूनी शिफा भी है, यानी दिल की बीमारियों के लिए। दिल की बीमारियों से मुराद मैं ये नहीं कहता हार्ट अटैक की बीमारी या इस तरह की कोई और बीमारी, बल्कि दिल की रूहानी बीमारी, उसके लिए भी कुरान मजीद शिफा है। इसी तरह आप देखें, इंसान कब कुरान मजीद को याद करता है पता है? जब जिस्म में दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, किसी तरह की परेशानी है, तब उसे याद आता है कि मुझे जो है रुकिया करवाना चाहिए। और देखिए कितनी बुरी बात है और कितने अफसोस की बात है कि एक इंसान खुद अपना रुकिया भी नहीं कर पाता है, उसे रुकिया करवाने के लिए किसी और को बुलवाना पड़ता है। वो रुकिया करने वाला क्या करता है? कुरान मजीद की तिलावत करके दम करता है। कुरान के ताल्लुक से हमारा मामला इतना ख़राब है, कुरान से हमारा ताल्लुक इतना कमज़ोर है कि जब हमें अपनी बीमारी का इलाज करना होता है, जब हमें रुकिया करवाना होता है, तभी भी हमें बाहर से किसी को बुलाना पड़ता है, बाहर से रुकिया करने वाले को हायर करना पड़ता है। जबकि सबसे अच्छा तरीका यह है कि इंसान खुद अपना रुकिया कर ले, खुद अपने ऊपर पढ़ करके दम करे, और पूरा का पूरा कुरान मजीद शिफा है। आप कुरान कहीं से भी पढ़ करके दम कर सकते हैं, हाँ कुरान अपने ऊपर आप तिलावत करके कहीं से भी जो है शिफा की नीयत से दम कर सकते हैं। लिहाजा अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, ये बात आप समझो कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तो तिलावत पर अजर भी रखा है, दूसरा शिफा भी रखी है। लिहाजा हम कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें, सिर्फ इसको बीमारी का इलाज ना समझें। हमारे यहाँ कुरान मजीद बीमारी का इलाज बन करके रह गया है बस, कि कोई बीमार हो गया उस पर दम करो, कोई चीज़ आ गई उस पर दम करो, कोई परेशानी आ गई उस पर दम करो, ऐसे नहीं होता है। कुरान मजीद ये हिदायत की किताब है, कुरान मजीद ये रहमत की किताब है। लिहाजा हमको कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उसकी तिलावत भी करनी चाहिए, और ज़रूरत पड़े रुकिया करने की तो ऐसी सूरत में कुरान मजीद ये इंसान के लिए जो है शिफा भी साबित होता है, और कुरान मजीद से इंसान को शिफा भी मिलती है। दोनों तरह की शिफा, एक तो रूहानी बीमारियाँ यानी जो दिल की बीमारी है, जैसे शक व शुबह की बीमारी है, इसी तरह से कुफ्र की बीमारी है, हाँ इसी तरह से और भी बीमारियाँ, हसद की बीमारी, कीना, बुग़्ज़, ये सारी बीमारियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है कुरान मजीद की बरकत से शिफा अता फरमाते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ाहिरी बीमारियों की इलाज की कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी बातिनी इलाज की बीमारियों की इलाज के तौर पर भी कुरान मजीद की तिलावत करें। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में एक रिवायत आपके सामने लाया हो जो मुझे और आपको बताती है कि कुरान मजीद, जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि रूहानी बीमारियों का भी इसमें इलाज है। हदीस इस तरह से है, हजरत अबू जुमैल कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि मैं अपने दिल में एक खटक महसूस कर रहा हूँ जिसको मैं आपके सामने बयान नहीं करूंगा। हजरत अबू जुमैल ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कहा, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा कि क्या वो शक में से है, यानी आपके दिल में किसी तरह का शक पैदा हो रहा है? और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इस पर हंसे, और उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इससे तो कोई नहीं बचा है, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नज़ल फरमाई, फइन कुंत फी शक मिम्मा अनज़लना इलैका फसअलिल्लज़ीन यक़रऊना अल-किताब मिन क़ब्ल, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नज़ल फरमाई कि जब तुम हमारी नाजिल करदा किसी चीज़ के ताल्लुक से शक में पढ़ो तो तुम उन लोगों से पूछ लो जो किताब की तिलावत करते हैं, जो किताब को पढ़ने वाले हैं। और फिर आगे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब आप किसी चीज़ में शक महसूस करें अपने अंदर और शक पाए तो इस आयत की तिलावत करें, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, और वो हर चीज़ को बखूबी जानने वाला है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि जब कभी उसके दिल में किसी भी तरह का शक हो
شبہ ہو، کوئی بھی وسوسہ پیدا ہو تو اسے اس آیت کی تلاوت کرنی چاہیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، تو اس کے ایمان میں مضبوطی آئے گی، وہ شک اس کا دور ہوگا، وہ وسوسہ اس کا دور ہوگا۔ لہذا یہ ایک طرح سے ایک روحانی بیماری کا علاج ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کر سکوں، ہے نا؟ نہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم ظاہری شفا کی کوشش کرتے ہیں وہاں ہماری باطنی شفا کی بھی ہم کوشش کریں، اور جب کبھی کسی بھی تعلق سے جو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ چیز ہے اس کے تعلق سے ذرہ برابر بھی شک پیدا ہو دل میں، فوراً یہ دعا پڑھو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں میں اور آپ ان باتوں کو غور سے سنے ہوں گے، انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور عمل بھی کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔